51,000 मंत्रों का जाप। कौन कहता है मनोकामनाएं पूरी नहीं होती? कलयुग में भी होगी हर इच्छा पूरी। किसी भी तरह की समस्या हो, बस 51,000 मंत्रों का जाप। कौन सा है वो मंत्र, बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। 01202515341 और 342, यानी 0120 नोएडा का कोड है। ये दो नंबर्स हैं आपकी सुविधा के लिए और इन नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए और पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। और आज का दिन आपका कैसा बीतेगा ये तो पंडित जी बताएंगे, साथ ही आज हम करेंगे बात कलयुग में 51,000 मंत्रों का जाप और आपकी हर मुराद कैसे पूरी हो, कौन सा है वो मंत्र जिसके 51,000 बार जाप करने से मिलता है मानसिक बल। और इससे पहले की राशियों के सफर की हम शुरुआत करें, पंडित जी से जान लेते हैं कि ये 51,000 मंत्रों का जाप क्या है। पंकज जी, ये 51,000 मंत्रों का जाप और आज हम लोग ये एपिसोड इसलिए कर रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में आने वाला जो पर्व है, जो मास है, वो पूर्णतः भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा हुआ मास है, अर्थात सावन मास की शुरुआत होने वाली है। सोमवार का दिन भी जी, आज सोमवार का दिन भी है। तो अपने दर्शकों को हम पहले से आगाह कर देना चाहते हैं, सचेत कर देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो पूरा एक महीना आपके पास है जिस मास में आप 51,000 मंत्रों का जाप करके अपने कष्टों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और इस मंत्र के बारे में आपने भी पूछा, आपके मन में भी कौतूहल होगा, पंकज जी ने भी पूछ लिया, तो अब मैं बताता हूं। पंकज जी, ये मंत्र है ओम नमः शिवाय का मंत्र। इस मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ 51,000 बार करता है, इस संख्या का निर्धारित होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कम से कम 51,000 बार करता है तो आप यूं मान लीजिए कि भगवान शिव स्वयं आकर के आपके सभी कष्ट हर लेते हैं, आपको कभी फिर कष्ट में नहीं छोड़ते, आपकी जो भी आकांक्षाएं, जो भी मुराद होती है वो उनकी कृपा से पूरी हो जाती है। पंडित जी, अगर सिर्फ ओम का उच्चारण करता है कोई, बिल्कुल, तो वो क्या पूरा मंत्र है वो भी? जी बिल्कुल, ओम के बारे में तो हमारे शास्त्र में अगर कहें, पूरा शास्त्र भरा पड़ा हुआ है ओम के बारे में, कहते हैं वो स्वयं पूरा ब्रह्मांड उसमें सम्मिलित है। कैसे हुई कुछ जी बिल्कुल, ओमकार के बारे में अगर आप उसकी व्याख्या करें तो ओम के बारे में कहा गया है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से, इसका ध्यान करने से, जिसमें संपूर्ण सृष्टि है, भगवान शिव की पूरी शक्ति उसमें है, अगर आप सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और पूरी संपूर्ण सृष्टि की शक्ति आपको मिलती है। आपके मन की जो भी वांछित फल होते हैं, जो भी आकांक्षाएं होती हैं, भगवान शिव उसको पूरा करते हैं। तो आइए हम पंडित जी से जानते हैं कि ये जो 51,000 मंत्र हैं इनके बारे में भी जानेंगे और भगवान शिव की आराधना में क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से इन मंत्रों का उच्चारण जो है वो करना चाहिए, कुछ इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल पंकज जी, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही सहज स्वरूप में प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ एक लोटा जल, थोड़ी सी भंग और थोड़ा सा धतूरा, कोई भी ऐसी चीज जिसे कोई नहीं पूछता, चाहे वो मदार की माला हो जो कहीं भी इधर उधर उकाती है, आग के पत्ते जो जिससे मदार की माला मिलती है वो कहीं भी इधर आ जाते हैं, जो उगाते हैं जिसको हम कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह सुलभ है, ऐसी चीजों से प्रसन्न होने वाले हमारे देवता भगवान शिव स्वयं भोलेनाथ है। एकमात्र ऐसे देवता है जो बहुत ही सहज स्वरूप में प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ ये भी संदेश देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण है, दुर्भाव है, तो उससे दूर मत रहिए, उससे प्रेम करिए और उसके दुर्गुणों को दूर करिए। जिस तरीके से आप देखते हैं धतूरे में कोई फल नहीं है, कोई भी उसका लाभ नहीं है, लोग उसको बहुत हीन भावना से देखते हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर्ड चीजें मानी जाती हैं। अब आप आग के पत्ते को ले लीजिए, मदार की माला को ले लीजिए, पंकज जी कोई नहीं पूछता, कोई भी पशु पक्षी उसको नहीं पूछता, कहीं भी उगाता है। इस तरीके की चीजों को भगवान शिव ने आत्मसात किया, जिसके कोई नहीं उसका भगवान शिव है और भगवान शिव को सच्चे हृदय के शुद्ध भाव चाहिए होते हैं और आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो एक ऐसा देवता है जिसका नाम भोलेनाथ है। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए और उस जल चढ़ाने मात्र से आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी करता है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी अतृप्त लोग हैं, जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, जिनको हम लोग प्रेत आत्माएं कहते हैं, जो भटकती आत्माएं हैं, उनका कोई देवी देवता नहीं था, भगवान शिव ने उनको अपने गण बना करके अपने में मिला लिया, अपना शिव सायुज दिया, अपना सानिध्य दिया। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, अगर आप सच्चे हृदय के भाव से उनकी आराधना करेंगे तो कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं रह सकता। बिल्कुल, और पंडित जी, हम भगवान शिव का जब भी हम तस्वीर उनकी हमारे मन में आती है या मस्तिष्क में आती है तो नीलकंठी हैं वो,
अगर उनको हम देखें तो लंबे लंबे केश हैं उनके और गंगा जी निकल रही हैं और सर्प टंगा हुआ है गले में और चंद्रमा के आकार का, और कभी हम अगर तस्वीरों में देखें तो नटराज की मुद्रा में वो नजर आते हैं और शिवलिंग की भी आराधना का अपना महत्व है, तो कुछ इस बारे में अगर आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, देखिए भगवान शिव का जो स्वरूप है जिस तरीके से आपने बताया, मैं उस पर बहुत जल्दी आना चाहूंगा। बहुत ज्यादा जहां भी भगवान शिव की बात होती है तो अंदर से ऐसे भाव आने लगते हैं कि मैं स्वयं को भी नहीं रोक पाता। जैसे आपने कहा कि भगवान शिव ने नीलकंठ उनको कहा जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ पंकज जी, बहुत छोटा सा संस्मरण, वहां से समुद्र से मां लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, नाना प्रकार के रत्नाभूषण निकलते हैं, अमृत कलश निकलता है, देवी देवताओं में युद्ध छिड़ जाता है, असुरों में देवताओं में युद्ध छिड़ जाता है कि हमें तो अब अमृत चाहिए। जब वहां से गरल का पात्र निकलता है तो कोई आगे नहीं आता है, सब इधर उधर देखते हैं इसका कौन स्वामी बनेगा। भगवान शिव आगे बढ़ते हैं। इस सृष्टि में जो भी निकृष्ट है, जो भी त्याज्य है, भगवान शिव की आराधना से आपको ये प्रतिफल मिलता है, ये सीख मिलती है कि कुछ भी त्याज्य नहीं है, कि हर चीज में अगर कहीं बुराई है तो अच्छाई भी है, उसकी अच्छाई को लीजिए। बिल्कुल, और अब राशियों के सफर की भी शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, परीक्षा में अच्छे परिणाम हासिल करने के बहुत अच्छे समय आ रहे हैं। आगामी समय में आपको शिक्षा संबंधी किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन निवेश के लिए उत्तम नहीं है। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक माहौल उत्तम रहने वाला है, जीवन साथी का भरपूर सहयोग और सानिध्य समर्थन मिलने वाला है। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना, मांसाहार से दूर रहना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग चर्चा कर लें मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की तरफ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आज अधीर नहीं होना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप कर लेना और कटु वचन न बोलना आपके हित में होगा। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे दर्शक पंडित जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। पंकज एक दर्शक है जम्मू से हमें फोन कर रहे हैं। पंकज, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय बताएं और फिर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप पंडित जी से। 13 जुलाई। जी 13 जुलाई 1978। और समय बताइए। दिन में 4:30 बजे। दिन में 4:30। क्या जानना चाहते हैं आप? सर अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कि मेरा काफी ज्यादा अपसेट है। जी, क्या करते हैं आप? जी बिजनेस है मेरा, कोई दुकान भी करता हूँ और पहले मार्केटिंग भी करता था। जी 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 पंडित जी। पंकज जी, आपकी जन्म पत्रिका मेरे समक्ष है और जैसा आपने बताया कि आपका अपना बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेटल से जुड़ा हुआ, धातुओं से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ, मशीनों से जुड़ा हुआ कुछ काम आपका होना चाहिए। ये समय आपके लिए, बृहस्पति में शुक्र की दशा चल रही है, ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आर्थिक समस्याएं आपके समक्ष हो सकती हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से आपको बहुत अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, तो ओम वृम बृहस्पतये नमः मंत्र का उच्चारण जाप आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। एक और कॉलर है, रविंद्र है नाहन हिमाचल प्रदेश से हमें फोन कर रहे हैं। रविंद्र जी आपका प्रश्न। चलिए हम रविंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। गीता इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है। गीता, आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या है आपका सवाल? सर जीन से बोल रहे हैं, हरियाणा से। जी जीन से बोल रहे हैं आप। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। मुझे मेरे भैया के बारे में पूछना है, उनका नाम विकास। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13/4/1987। और समय? 10:30 बजे। फिक्स नहीं है वैसे, लगभग है। सुबह का या शाम का? सुबह का। अच्छा, सवाल पूछिए आप अपने भाई के बारे में। पूछना है मेरे को, और थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है। जी गुस्सा ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका में राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा में जो इनके इनकी कुंडली में राहु की स्थिति है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति है, इस वजह से व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अगर आप इनको एक गोमेद धारण कराएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना भी ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा सहायक होता है। चलिए राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी प्रभावशाली व्यक्तित्व से के संपर्क में आने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, और भविष्य में भी आपको उनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। मां काली की आराधना कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। व्यापार में साझेदारी से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि संबंधी कार्यों से लाभ मिलने वाला है। लाल वस्तु का दान करते हैं, जैसे गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र का दान, आपको बहुत अच्छा प्रतिफल मिल जाएगा इस उपाय को करने से। बिल्कुल, और अब अगली राशि आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए रुका हुआ या उधार दिया हुआ धन आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, ये समय आपके लिए आर्थिक समस्याओं से परिपूर्ण होने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए अगर यदि काले कुत्ते को एक इमरती देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो 51,000 मंत्रों के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। पंडित जी
इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे जी? पंकज जी, हम लोग अगर आज के दिन ओम नमः शिवाय के महत्व के बारे में चर्चा करें तो बहुत उत्तम दिन होगा। भगवान शिव का दिन है और आने वाला समय बहुत ही लाभ वाला समय है, अर्थात सावन मास का समय, जिस मास में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र के रहस्य को समझ करके यदि उसका जाप शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। यह वह मंत्र है जिसे भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि अगर आप इसका जाप करते हैं तो मैं स्वयं आपके कष्टों को हरने के लिए आता हूं, आपके जो भी दुख हैं आप उससे कभी भी परेशान नहीं रह सकते। हरिदत्त है हमारे साथ गुजरात से, हमें फोन कर रहे हैं। हरिदत्त, आपका प्रश्न क्या है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पहले आप जरूर बताइएगा। बच्चे के लिए पूछना है जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 28/9/84 और समय क्या है? 1:35 रात्रि का है। क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? गुजरात से जानना चाहते हैं। शादी का योग कब है जी, और नौकरी करेगा आगे और अथवा पढ़ाई करेगा? जी जी, देखिए आपके बच्चे की जन्म पत्रिका के अनुसार अभी विवाह का योग थोड़ा सा विलंबित दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत उत्तम है। इस समय में अगर नौकरी के लिए प्रयास करेगा तो बहुत अच्छा होगा। व्यापार में अभी निवेश नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए यह समय निवेश का समय नहीं है। तो इस समय में खुद से पैसा ना लगाए, कहीं जॉब करेगा तो सफलता मिलेगी। शनि चालीसा का पाठ कर लेना, ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, क्योंकि इसकी कुंडली में शनि सप्तमेश अष्टमेश बनता है और शनि की दशा चल रही है, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अब राशियों में आगे बढ़े तो अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि की। पति जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। सफेद वस्तु के दान करने से आपको लाभ मिल सकता है। धन के व्यय को रोकना चाहिए, धन का खर्च बहुत ज्यादा न करें। अब बारी आती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए धन का अव्यय इस समय बहुत ज्यादा रहने वाला है, अर्थात धन का खर्च बहुत रहने वाला है। श्री आदि हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि ये समय आपके लिए निवेश का समय नहीं है। बिल्कुल, और एक और कॉलर है हमारे साथ इस वक्त करनाल से, आप अपना नाम बताइएगा और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बता के अपना सवाल कर सकते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर जी, अपना नाम बताइए आप। लवकुश राणा नाम है सर मेरा। जी जी, और अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। 9 अगस्त 1985। समय क्या है? 9 अगस्त 1985 सुबह 5 बजे। अच्छा, आप सवाल कर सकते हैं आप पंडित जी से। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी बार बार नौकरी जो है लग के छूट जाती है। जी पंडित जी। जी बिल्कुल, देखिए लवकुश साहब, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा और राहु की यह प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थान पर होता है, अगर नौकरी में होता है या व्यापार में होता है तो उससे अपने कार्यक्षेत्र से संतुष्ट नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलती। आप कहीं भी जाते हैं आपको बार बार लगता है कि यार ये स्थान मेरे लिए नहीं है, मुझे इससे और अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसी भ्रम में आपकी नौकरी बार बार जाती है, या यूं कह लें कि आप कुछ ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर लेना, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित जाप करते रहना, पाठ करते रहना, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो चलिए, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो कुछ और राशियां बची हैं और कुछ दर्शकों से बात करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा, आज 51,000 मंत्रों की महिमा के बारे में पंडित जी ने हमें बताया है। यदि किसी कारणवश आप ये प्रोग्राम न देख पाए हो तो हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com, इस पर आप ये पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम देख सकते हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ गुप्त परेशानी, गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आज के दिन बहुत अधीर ना हो। ओम नारायणाय सूर्य सिंहासनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपके कष्टों को दूर करेगा और साथ ही साथ ज्यादा उत्सुकता आज की दिनचर्या में ठीक नहीं होगी। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए निवेश करने से उत्तम लाभ मिल सकता है। अपने भोजन में से गौग्रास निकालना, अर्थात एक टुकड़ा रोटी गाय के लिए निकालना, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य में आज आप दिन भर व्यस्त रहने वाले हैं। भगवान श्री राम की आराधना, श्री राम रक्षा स्त्रोत का नित्य पाठ करने से, नियमित पाठ करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बाधा गतिरोध आए उससे मन को दुखी मत करिए। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्तम लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। भगवान शिव की आराधना कर लेना, शिव चालीसा का पाठ करना, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव आ सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। पंडित जी, जल्दी से एक और कॉलर ले लेते हैं। विवेक है चंडीगढ़ से, हमें फोन करें। विवेक, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल।
सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1968 और समय है सर शाम 5:15। सवाल क्या है आपका विवेक? सर मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरी सेहत के बारे में सर, बाकी काम बहुत अच्छा है, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सेहत के बारे में पूछना था, सेहत कैसी रहेगी सर? आजकल थोड़ा सा लगता है कि सेहत थोड़ी डाउन हो रही है। जी देखिए, आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम होगा कि स्वास्थ्य के स्थान का जो स्वामी बनता है वो बुध बनता है और बुध अस्त है, और स्वास्थ्य व्यापार के साथ, बुध जो है व्यापार के साथ साथ स्वास्थ्य का भी कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना, बुधवार को अपने हाथ से गाय माता को हरा चारा अर्थात हरा साग खिलाना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए, हमने समस्त 12 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लिया है। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए एक बार फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार है बुलेटिन, थोड़ा इंतजार।